नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं बोट स्टोन 650 की, जो मार्केट में लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। 1899 रुपए में आने वाला ये बोट का 10 वॉट का स्पीकर आपके लिए क्या क्या लेके आया है, उसके बारे में आज बात करते हैं और देखते हैं डिटेल में इसके स्पेसिफिकेशन। अगर आप एक म्यूजिक लिसनर हो और आप एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हो तो मुझे लगता है बोट स्टोन 650 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। जैसे आप देख पा रहे हो ये किस तरीके से आता है, इसमें आपको दो स्पीकर अंदर से देखने को मिलेगा और एक बड़े 10 वॉट के स्पीकर्स के साथ में आने वाला ये सेटअप है। तो मुझे लगता है आपका म्यूजिक लिस्निंग का पूरा जो भी डिमांड है वो ये ज़रूर पूरा करेगा। इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हो इसमें पावरफुल बेस रेडिएटर है, तो पैसिव रेडिएटर इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी के साथ में स्टीरियो साउंड आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप यहाँ पे बोट क्लेम कर रहा है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको ऑक्सफोर्ड TF कार्ड का भी कंपेटिबिलिटी देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कनेक्टिविटी फ्रंट पे भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, जिसकी वजह से आप इसको आराम से ब्लूटूथ वाले डिवाइसेस से, मतलब आपके मोबाइल से, लैपटॉप से या टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हो। ऑक्स का कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो अगर बैटरी डाउन हो जाए, ब्लूटूथ डाउन हो जाए, तो ऐसे टाइम पे आप ऑक्स कनेक्टिविटी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी है, जिसकी वजह से आप आपका पर्सनल कलेक्शन उसमें स्टोर करके रख सकते हो। उसी के साथ में IPX5 रेटेड है ये, जिसकी वजह से अगर आपके स्विमिंग पूल के बाजू में इसको रख रहे हो और वहाँ पे कुछ ओकेजनल वाटर स्प्लैशेस अगर आते हैं तो उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा, एक अच्छे तरीके से चल पाएगा। उसी की तरह आप देख पा रहे हो किस तरीके से ऑक्स और माइक्रो USB एक हिडन इंक्लोजर में है, तो माइक्रो USB सपोर्ट है यहाँ पे चार्जिंग के लिए। 3 कलर्स में आपको ये देखने को मिलेगा, चारकोल ब्लैक कलर आप जिस तरीके से देख पा रहे हो, ब्लैक कलर इसका सटल लगता है और दिस विल बी अ ग्रेट बाय अगर आप ब्लैक कलर पसंद करते हो तो। और अगर आप थोड़े डार्क फंकी कलर पसंद करते हो तो आपके लिए और 2 कलर्स है, नेवी ब्लू कलर भी है। नेवी ब्लू कलर भी मुझे इसका अच्छा लगा, लेकिन अगर पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर और ब्लू, नेवी ब्लू कलर से भी ज़्यादा इसका जो 3rd कलर है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रैम्पेंट रेड नाम से ये कलर है और ये थोड़ा स्पार्कलिंग भी लगता है और थोड़ा फ्रेश कलर लग रहा है, तो आपके रूम का एम्बियंस वगैरह भी ये बहुत अच्छे तरीके से बना पाएगा, तो ये कलर मुझे पसंद आया। पर इसका कलर का चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। इसी के साथ में अगर आपने बोट का स्टोन 350 का मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो 1499 में आ रहा है, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये भी 10 वॉट के साथ में आने वाला ही है, तो आपको लेने में और ज़्यादा आसानी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेकविश्व यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे ही नए नए वीडियोज़ हर दिन बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइज टेक केयर। द यूनिवर्स ऑफ इन्फिनिट टेक्नोलॉजी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइज टेक केयर, बाय बाय।